नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के कई स्थानों पर चल रहे सट्टे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश के बाद शहरी क्षेत्र की पुलिस सक्रिय हो गई है और बीते चार दिनों के दौरान सट्टा कारोबारी के कई अड्डे पर दबिश दी गई। इस दौरान अमहिया पुलिस ने भी गल्ला मंडी क्षेत्र में सट्टा की पर्ची काटने वाले सटोरिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नकदी सहित सट्टा पर्ची जब्त की गई है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अमहिया थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा सट्टे के अवैध कारोबार को पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में गल्ला मंडी में दबिश दी गई, जहां से चिरौला कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 6500 रुपए नकद और सट्टा पर्ची जब्त की गई है। थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने बताया कि धर्मेंद्र के ऊपर पूर्व में भी कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके द्वारा सट्टे का अवैध कारोबार बंद नहीं किया जा रहा है। इस बार भी इसके ऊपर कार्रवाई की गई है और हिदायत दी गई है कि अगर सट्टे का कारोबार करता पाया गया तो इसके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, इसके पूर्व बिछिया थाना प्रभारी अंकित सोनी और सिटी कोतवाली पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर सटोरियों को गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद भी सट्टे के अवैध कारोबार में नकेल कसने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, ये धर्मेंद्र कुशवाहा और पिता राम स्वरूप उम्र 32 वर्ष निवासी गोपाल नगर चिरौला थाना बिछिया का है। ये आज गल्ला मंडी में सट्टा पर्ची से सट्टा का गेम चलवा रहा था, जिसको सूचना पर दबिश दी गई, जिससे 6600 रुपये जब्ती हैं, सट्टे की पर्चियाँ हुई और सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।